नमस्कार दोस्तों, जेडी सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिससे आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने में उपयोगी साबित हो सकता है। मेघालय ने अपनी उमियाम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है। लगभग 4,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील शिलांग में जल क्रीड़ाओं और नौकायन का एक प्रमुख केंद्र भी है। AI एकीकृत रोबोटिक नाव उमियाम झील से उचित समय में भारी मात्रा में कचरा इकट्ठा करने में सक्षम है। भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन 39 एकड़ की जगह पर बन रहा है, जिसमें गृहा IV ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट मानदंडों के अनुरूप कई हरित उपाय शामिल हैं। यह इमारत मई जून 2025 तक तैयार हो जाएगी। नया थल सेना भवन दिल्ली छावनी में बनेगा। इस इमारत में सेना मुख्यालय के विभिन्न कार्यालय होंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रूपाला महाराष्ट्र के मुंबई में, यशवंतराव चव्हाण केंद्र में एक दिवसीय मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जमीनी मुद्दों को सुलझाने के लिए मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कुर्दिश और अरब निवासियों के प्रतिद्वंद्वी प्रदर्शनों के बीच हिंसक टकराव के बाद उत्तरी इराकी शहर किरकुक में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इन झड़पों ने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी को प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद में दिल्ली मेट्रो 36 स्टेशनों पर समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड बेचेगी। दिल्ली मेट्रो ने भी कई पहल की है, जिनमें प्रतिनिधियों के नियोजित मार्गों पर स्थित अपने मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो स्तंभों का सौंदर्यीकरण शामिल है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।